अरे देखो एक बात कितनी अजीब है, बेडरूम की सारी लाइटें ऑन है। यार तुम एक काम करो, तुम बिजली विभाग की कर्मचारी बन जाओ। यार शालिन भूल गई होगी लाइट ऑफ करना। अब लाइट ऑफ क्यों है, ऑन क्यों है, इसका भी हिसाब हम रखेंगे। फोकस, हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ। ओके ठीक है, तुम इधर ढूंढो, मैं इधर हूँ। शालिन बेब्स इतनी जल्दी आ भी गई, इतनी बेताब मुझसे मिलने के लिए, क्या बात है। एक काम करता हूं, शालिन बेब्स को यहीं पर बुलाता हूं, वॉशरूम में बहुत मजा आएगा। क्यों नहीं, नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है उसके साथ लुका छुपी खेलने की, जब तक उसे सताऊंगा नहीं मजा नहीं आएगा। हाँ जब तक वो 10-15 बार मेरा नाम नहीं पुकारती ना, मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे उसे सताने में बहुत मजा आता है। वाओ, इस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस से ना शालिन बेब्स पागल हो जाएगी, एकदम जंगली बिल्ली बन जाएगी। अब इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं। ओके जरूरत है करण, चिंता कैसे नहीं, इतनी मुश्किल से हमें मौका मिला है कि हम शालिन के कमरे की तलाशी ले सके, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। इतना कीमती वक्त हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हमें शालिन के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रूव ही नहीं कर पा रहे। अब यहाँ तक आकर हार तो मुझसे मानी नहीं जाएगी। डोंट वरी, ओके गॉड, ये मेन डोर कैसे खुला है? लगता है आज पृथ्वी फ्रंट डोर से आ गया, हमेशा तो बैक डोर से आता है। फॉरगेट इट शालिन, पहले ये सोच कि ऋषभ नाम की मुसीबत को कैसे टालेगी। क्या हुआ, दरवाजा खुला है? मॉम घर पे है क्या? आप तो कह रही थी कि मॉम आउट ऑफ टाउन है। नहीं पता नहीं, आई डोंट नो। आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे पता नहीं मुझसे कितनी बड़ी बात छुपा। कुछ नहीं मिला हमें, एक छोटा सा सबूत भी नहीं मिला शालिन के खिलाफ। कितना बैड लक चल रहा है। हर जगह तो चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। एक सेकेंड, कहीं शालिन बेब्स की मॉम तो नहीं आ गई? ओह नो, बेडरूम की लाइट ऑन है, मतलब पृथ्वी अंदर है। कहीं वो डोर की आवाज सुनकर बाहर आ गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे अंदर जाकर उसे रोकना ही होगा। चल, आई नीड वाटर। चलिए। आई होप आज शालिन और ऋषभ एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताए। ये शालिन भी ना कभी कभी बहुत स्टूपिड बिहेव करती है। बजाय ऋषभ को रोकने के, वो ऋषभ के ना रुकने के मुझे बहाने सुना रही थी। सिली गर्ल, टेल यू दिस गर्ल, मुझे शालिन को बताना चाहिए कि ऋषभ को कॉफी के साथ सॉल्टेड कैशूज बहुत पसंद है। इट विल हेल्प। Let me just... नहीं, कॉल नहीं, डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैसेज करती हूँ। गुड आइडिया। ऋषभ जी आप बैठिए, बैठिए। I don't know, एकदम कैसे Thank you.
अचानक से पता नहीं क्या फंस गया था। रिलीज बेटर ना, रात काफी हो गई है शल्टी के लिए ना। गुड नाइट। शालिन? हाँ? क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में लग रही? नहीं ऋषभ जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कैसे नहीं है, आप टेंशन में लग रहे हैं। यू श्योर यू आर ऑल राइट? नहीं ऋषभ जी, एवरीथिंग इज फाइन। बड़ी कमाल की बात है, बाहर मौसम भी ठीक है, आपका एसी भी ठीक चल रहा है, फिर भी आपके माथे पर पूरा पसीना आ रहा है, क्या हुआ आपको? नहीं ऋषभ जी, ऐसा कुछ नहीं है। शालिन रिलैक्स, आप खुलकर मुझे बता सकती हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो? कुछ टेंशन की बात है? नहीं ऋषभ जी, सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आप बोल रही हैं तो ठीक है, तो आई शैल लीव नाउ। हाँ जी। शालिन की मॉम कैसे हो सकती है, क्योंकि शालिन ने बताया था कि उसकी मॉम मुंबई से बाहर गई हुई है, और अगर उसकी मॉम आती तो उसका नाम पुकारती, बट यहाँ से तो किसी की आवाज ही नहीं आ रही, और वैसे भी मेन डोर भी लॉक्ड है। इसका मतलब मेरी शालिन बेबसी होगी। अब और टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ। Let's celebrate. I'm coming. मुझे लगता है कि शालिन घर में वापस आ गई है। हमारे हाथ कोई सबूत भी नहीं लगा और अभी वहाँ पे पक्ष। चुप रहो, don't panic, just चुप रहो, कुछ सुन ले। कैसे panic ना करूँ? वो कभी भी रूम के अंदर आ जाएगी, हम दोनों को रखे हाथ पकड़ लेगी, हम दोनों पकड़े जाएंगे। यार चुप रहो, तुम्हारी आवाज जा रही है बाहर, चुप रहो, कुछ सुन ले। Oh my God, इतनी पहाड़ जैसी मुसीबत सर पर गिर गई और तुम कह रहे हो चुप रहो? कैसे चुप रहो, तुम्हें पता है अरे पिछली बार मैंने कुछ नहीं करा था, तो मेरी माँ को जेल पहुंचा दिया था उसने, अब तो मैं उसके घर में चोरों की तरह घुस आई हूँ, पता नहीं क्या करेगी वो मुझे बख्शेगी नहीं, इस बार बख्शेगी नहीं। मेरा बुरा हाल कर चुकी है। चुप, मेरी बात सुन, ज्यादा मत बोलो, देखो मुझे सोचने का मौका दे, सोचने का मुझे। चुप, एक सेकेंड, अगर शालिन बेब्स आई है तो वो मेरा नाम लेकर मुझे क्यों नहीं बुला रही, चेक करना पड़ेगा। ये आवाज, इसका मतलब शालिन का लोगों पर यही से घर में। इसका मतलब वो इंसान यहाँ है, ये बाथरूम के दरवाजे के पीछे, उसे पता हम बाहर है, कितना चालाक है, उसके पीछे छुप के इसको तो मैं बताती हूँ। अरे झांसी की रानी कहाँ जा रही है, चुप रहो। क्यों शालिन बेब्स, इज इट यू? अपनी आवाज सुनी, किसने बुलाया? नहीं ऋषभ जी, कोई भी कुछ आवाज नहीं। आवाज सुनी तुमने? हाँ। शादों की रानदार गिर गया। अच्छा, अब शालिन आएगी अपने जानों को बचाने, आने दो, उसकी बातें सुनेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे, तभी तो प्रूफ होगा हमारे पास, राइट? करेक्ट, क्योंकि अदरवाइज वो ये भी कह सकती है कि बाथरूम के अंदर कोई प्लम्बर है जो टैप ठीक कर रहा है और गिर गया, इसलिए उसने मुझे आवाज लगा दी। गुड, वेरी गुड, गुड आइडिया। तब तक कहीं चुप जाते हैं। इधर आओ, कम कम कम। शालिन अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं, अभी तक तो आ जाना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर कोई चूहा घूम रहा हो जिसकी वजह से सामान गिर गया और हम सोच रहे कि शालिन आ गई। आइडिया। क्या? तुम इस बंदे से शालिन बन के बात करो, बिल्कुल वैसे जैसे शालिन बात करती है, उसे बाहर बुलाओ। नहीं नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं शालिन के साथ कैसे बात कर सकती हूँ? प्रीते माय चीते, यू कैन डू इट, प्लीज डू इट। हमें पता लगाना होगा कि अंदर प्लम्बर नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है, उसका लवर बॉय है। तो इसमें कोई डाउट है क्या? तुम्हें क्या लगता है अंदर प्लम्बर है इस टाइम पे रात को? ऑब्वियसली उसका लवर ही अंदर है। मैं शालिन के तरह बात नहीं कर सकती, तुम्हें करना है तो तुम करो। ये तुम्हें पता है और मुझे पता है, माय डार्लिंग टंबो, लेकिन ये बात प्रूफ करने के लिए हमें उससे बात करनी होगी। कम उसकी बात सुनिए, कहाँ हो तुम? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जानू, तुम अंदर क्या कर रहे हो? बाहर आओ ना। बेब्स, मैं स्लिप हो गया था, थोड़ी सी चोट लग गई है। चोट लग गई, गिर गया अंदर। एक मिनट, एक काम करो,
उसको बोलो लिविंग रूम में टीवी चल रहा है, जल्दी जल्दी जाओ जाओ। ये किसकी आवाज है? बेब्स, कोई और भी है क्या तुम्हारे साथ? तुमने कहा था ना मत बोलो, इतनी दोस्त से बात करने की क्या जरूरत थी? अब तुम ही शालिन बनकर बात करो, समझे? जानू, कौन सी आवाज? ओ हाँ, लिविंग रूम में टीवी चल रहा है, उसकी आवाज आ रही होगी। तुम बाहर आओ ना। बेब्स, लेकिन तुम्हारी आवाज इतनी अलग क्यों लग रही है? नहीं, मैंने अभी आवाज सुनी है। अभी अभी आपको किसी ने बुलाया? आपको आपको नाम लेके बुलाया किसी ने? नहीं नहीं ऋषभ जी, मुझे तो किसी की आवाज सुनाई नहीं थी। वो शायद इसलिए क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, शायद इसलिए आपका ख्याल नहीं गया। नहीं ऋषभ जी, जब घर में कोई है ही नहीं तो किसी की आवाज कैसे सुनाई देगी? कोई नहीं, मीन आपकी मॉम घर पर नहीं है, आप घर पे अकेली हैं, कोई भी आ सकता है। I'm just little worried. मैं एक काम करता हूँ, एक बार जाकर देख लेता हूँ, मुझे तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। You just relax. मैं एक बार देख कर आता हूँ, relax. कहाँ देख रही हो? इधर ध्यान दो। नहीं नहीं, मुझे इधर से कुछ आवाज आई है। कोई आवाज नहीं, पहले से आदमी को वॉशरूम से बाहर निकालना, समझी? तो सुनो, मुझे लग रहा है कि शालिन यहीं गई है और किसी चीज से टकरा कर गई है। डम्बो, ये उसका अपना घर है, उसे पता कौन सी चीज कहाँ रखी है, कभी नहीं टकराएगी उससे। इधर ध्यान दो। मेरा पैर मुड़ गया। अरे क्या हुआ? चोट लग गई मुझे। अरे ऐसे कैसे चोट लगी? आपके घर में कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी आपको पता नहीं चला क्या? उठिए 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 उठिए, बैठिए। यू ओके? कहाँ लगी, दिखाइए। फर्स्ट एड बॉक्स किधर है? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप आइस पैक ला दीजिए प्लीज। किधर है वो? किचन में, वहां पे। तुम बाहर आ जाओ ना जानू, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। इतने प्यार से बोलने की क्या जरूरत है? जवाब दो अभी। शर्लिन बेब्स इतना मीठा नहीं बोलती, उसकी आवाज स्वीट कम और स्पाइसी ज्यादा होती है। नहीं, ये शर्लिन बेब्स नहीं है, तो फिर ये है कौन? और मुझे बाहर क्यों बुला रही है? आओ ना जानू, I'm waiting for you. Look, hey you mystery girl, तुम जो भी हो, तुम मेरी शर्लिन नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी और शर्लिन की आवाज बहुत अलग है। तो फिर तुम शर्लिन बनके मुझसे बात क्यों कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैं बेडरूम में हूँ और तुम बाथरूम में हो, तो बेडरूम से बाथरूम तक आवाज जाते जाते बदल जाती है ना जानू, छोटी सी जगह है। देखो, अगर तुम शर्लिन हो, वाकई में शर्लिन हो, तो तुम जानती हो कि मैं कौन हूं, राइट? बताओ कि मैं कौन हूं। बोलो बोलो। ये कैसा सवाल है? तुम मेरे जानू हो, स्वीटू हो, बेबी हो। व्हाट क्रैप, ये तो हर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को बुलाता है। अगर तुम वाकई में शर्लिन हो तो तुम्हें मेरा पेट नेम पता होगा, वही पेट नेम जो तुम्हें पसंद है। बताओ मेरा पेट नेम क्या है? यहां पे तो कोई नहीं, पर मैंने किसी को तो सुना था मेरा नाम लेते हो। देखा, शालिन है, मैंने कहा शालिन यहीं कहीं है। पुन्नु, शर्लिन बेब्स, थैंक गॉड। पुन्नू, यार इतना इजी, तुम नहीं गेस कर सकती थी निकनेम? पुन्नू मुन्नू चुन्नू, ये तो बहुत इजी है ना। बड़ा इजी है, तुम्हारी बेबी डॉल्स बुलाती होंगी ना तो फिर पुन्नू मुन्नू चुन्नू तुम मुझे बताते थे। बेब्स, आ रहा हूँ मैं, एक सेकंड, बाहर ही आ रहा हूँ। बेब्स, बेब्स, तुम्हारे यहाँ आने से पहले कोई और आया था यहाँ पर, मैंने किसी की आवाजें सुनी। मुझे उस इंसान के पैर दिख रहे हैं, उसकी शक्ल देखना बहुत जरूरी है, पुन्नू की शक्ल देखना बहुत जरूरी है। अरे नहीं, जो आवाजें सुनी तुमने बाहर से सुनी है। एक काम करते हैं, मोबाइल पे वीडियो बनाते हैं। नीचे है।
बात करो। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जो भी है यहाँ पे आप रंगे हाथों पकड़ना चाहता है, जब अगर तुम्हें साथ में देखेगा नहीं तो कोई सबूत नहीं होगा। खिड़की रास्ते से चले जाओ। शैलेन, भाई यहाँ पर है। मैं काम करती हूँ, मैं ऋषभ के साथ रहती हूँ, तब तक पृथ्वी भाग जाएगा। चलिन, चलिन कहाँ हो आप, ठीक हो ना? आई ऋषभ जी। भाई यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है, शैलेन भी है, उसका लवर भी है। शैलेन की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। चलो बाहर निकलते हैं, इससे पहले ऋषभ जी चले जाएं। अगर वो यहीं कहीं हो तो आप यहाँ पर बैठी हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। कहाँ पर थी आप? मैं यहीं तो थी ऋषभ जी। मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी। आप सॉरी, मुझे आपको बता के जाना चाहिए था। नहीं नहीं, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि आपको चोट कहाँ लगी? हाँ भाई, इधर रखिए अपना पैर। कौन था वहाँ? किसके हाथ में मेरे पैर रखा था? आई एम शॉक, कोई तो था। I think there is nothing major, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। आपको ठीक लग रहा है ना? हाँ। भाग तो मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि बाहर बाहर है तो है कौन? मैं ऐसे बिना जाने यहां से नहीं जा सकता। प्रीता तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अरे कहाँ जा रही हो? अरे मैंने यहाँ किसी को जाते हुए देखा। मैं ऐसा करती हूँ, ऋषभ जी को बुलाकर लाती हूँ, वो अपनी आंखों से सब कुछ देख लेंगे। नहीं, 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 मेरी बात सुनो, मैं अंदर जाके पहले चेक कर लेता हूँ वो अंदर है भी या नहीं। पता चला भाई के सामने हम लोग झूठे बन जाएंगे, और शैलेन तो वैसे भी हमें झूठा बनाने में लगे। ओह माय गॉड, ये दोनों तो बाथरूम की तरफ आ रहे हैं। वो तो कहा चुकू मैं, एक मिनट। अंदर तो कोई भी नहीं है। What? लेकिन मैंने किसी को शायद भाग गया। Oh no! इसका मतलब हमारे हाथ एक भी सबूत नहीं लगा और सारी मेहनत बेकार हो गई। अब क्या करेंगे? क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। मिशन फेल। शैलेन भाई के सामने हमें झूठा बना देगी और हम कभी भी उसे भाई के सामने गलत साबित नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, घर चलते हैं, लेट्स गो। नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रीता। आज तुमने अपनी हरकत से मेरी शैलेन बेब्स को बहुत मुश्किल में डाल दिया है, और कोई भी मेरी शैलेन को जरा भी तकलीफ दे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और इसलिए तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो आदमी आखिर अचानक से गायब कैसे हो गए वॉशरूम से? पता नहीं यार, मुझे बस इतना पता है कि शैलेन को एक्सपोज करने का हमने बड़ा मौका हाथ से खो दिया। ये शैलेन जितनी चलाक है ना, उसका बॉयफ्रेंड भी उतना ही शातिर है। अब भाई के पास जाएंगे ना ये सब बताने, तो उल्टा शैलेन हम पे इल्जाम लगा देगी कि अगर वो आदमी मेरे बेडरूम में था तो मैं भाई को अंदर क्यों लेके आई, अपनी चीटिंग प्रूफ करने के लिए। और भाई हम भाई ऐसी की तैसी कर देगा। क्या हुआ? कितनी बेईमान है ये लड़की, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कोई लड़की
इतनी खराब कैसे हो सकती है? एक काम करते हैं, इस बात को ना पूरा विस्तार से डिस्कस करते हैं कि शर्लिन कितनी बेईमान है, ओके? कितनी पॉजिटिविटीज हैं उसके अंदर, कितनी नेगेटिविटीज हैं, जो इंटरेस्टिंग भी है, राइट? राइट, लेकिन अभी नहीं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमें यहाँ से निकलना है। डम्बो, एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा था कि ये स्टूपिड सवाल पूछना बंद करो, जा यहाँ से।